हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 9 नवंबर 2020। और फ्रेंड्स, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो चल रहा है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो जैसे क्वांट का कोर्स है वो हिंदी में अवेलेबल है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे एसएससी सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स और बाकी स्टडी मटेरियल आप वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ ही क्विजेज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम जो आगे की है वो देखेंगे न्यूज़। सो फर्स्ट न्यूज़ इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो हर वर्ष 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मनाया जाता है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो भी वॉर होते हैं या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से एनवायरमेंट पे जो असर पड़ता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस हैं इनको मेंटेनेंस के कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे जो भी जब डाइवोर्स होता है तो वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाता है, जो भी असहाय पत्नियां होती हैं उनको मेंटेनेंस दिया जाता है बाय देयर हस्बैंड्स। सो अब ये बोला गया है कि अब चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस को भी उस मेंटेनेंस की कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, दैट इज कैरेट। ये एक्सरसाइज है, ये बांग्लादेश और यूएस की नेवी के बीच में होती है और ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सत्वाधानम इवेंट, दिस वाज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट। एंड ये जो इसको अवधानम नाम से जाना जाता है ये एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है जो काफ़ी पुराने समय से फेमस है और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि इसमें डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, लिटरेरी पोजेज होते हैं, इसके अलावा इसमें पोएम्स को इम्प्रोवाइज करना होता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज वर्चुअल बायलेटरल समिट पीएम मोदी और इटालियन पीएम के बीच में कंडक्ट किया गया है। एंड इस वर्चुअल समिट में इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटालियन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप कॉन्टे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसके दौरान काफ़ी एमओयूज भी साइन किए गए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि बांग्लादेश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेज, क्योंकि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को यहाँ पर डोजेज देनी है और हर बंदे को 2 डोजेज चाहिए होंगी कोविड-19 वैक्सीन की, तो इसीलिए यहाँ पर 3 करोड़ वैक्सीन की डिलीवरी के लिए MOU साइन किया गया है। और आपको याद होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जो जा रही है कोविड-19 की वैक्सीन, उसको ये सपोर्ट करा है इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट वैक्सीन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सेज ऑल इंसल्ट्स आर नॉट ऑफेंसेस अंडर SC/ST एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की हियरिंग सुनते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइप की अगर इंसल्ट की गई है, कंप्लेन दर्ज हुई है SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो कि 1989 में पास किया गया था इनकी जो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए SC/ST की, सो इसमें कहा गया है कि हर इंसल्ट जो है वो यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अनटिल अनलेस जो जिसने इंसल्ट किया है उसका जो मतलब उसने जो भी कहा हो उसका उसमें पर्पस रहा हो इंसल्ट करने का, तब तक ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि इस एक्ट का मिसयूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल ग्रांट्स इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ऑनरी रैंक और जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी। तो पहले जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने जनवरी 2019 में जो नेपाल के जो आर्मी चीफ थे जनरल पूर्णचंद्र थापा, उनको ऑनरी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी उन्होंने सम्मानित किया। एंड देन यहाँ पर जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे जो अभी विजिट पे थे नेपाल में उनको ऑनर रैंक जनरल ऑफ नेपाली आर्मी बनाया है। नेक्स्ट इज जॉन पोम्बे मगुफुली, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तंजानिया के। नेक्स्ट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये वे गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड। तो ये जो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड है ये डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है ताकि बच्चों को एनकरेज किया जा सके, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सके इनोवेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। तो इसमें सोशल टेक्नोलॉजिकल अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे इस बार 14 अवार्ड्स दिए गए थे फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन, और इसी तरह से 7 अवार्ड्स और 16 अप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए गए थे अंडर सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो डिफरेंट कैटेगरी में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल मीट जो है इसको चेयर किया था। चलिए हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, दैट इज सीवी रमन, इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888 एंड ही डाइड ऑन 21 नवंबर 1970। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। वो इंडियन फिजिसिस्ट थे जो कि रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते थे। तो जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करती है तो कुछ डिफ्लेक्टेड लाइट का जो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। इसको रमन स्कैटरिंग कहते हैं और ये रमन इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, तो हिंदी में हम समझाएं तो जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री से गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश तरंग दैर्ध्य और आयाम बदल जाते हैं, इसे रमन स्कैटरिंग कहा जाता है और ये रमन प्रभाव का परिणाम है। वो पहले एशियन थे जिन्होंने कोई भी नोबेल प्राइज जीता था फॉर अचीवमेंट्स इन साइंस, वे विज्ञान में उपलब्धि के लिए कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, 1930 में उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1954 एंड लेनिन पीस प्राइज इन 1957। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1957 में उनको लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो क्वेश्चन आपके लिए, सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन डैश इन 1930। सीवी रमन को 1930 में डैश में नोबेल पुरस्कार दिया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। तो उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था? इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नेक्स्ट इज द आर्मी चीफ ऑफ म्यांमार सेड दैट द इशू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ रोहिंग्या इज अ मैटर ऑफ डोमेस्टिक लॉ ऑफ 1982। तो म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि जो भी रोहिंग्या की नागरिकता से संबंधित जो भी मुद्दा है ये उनके 1982 के घरेलू कानून का एक मामला है और वो कोई भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन उसमें नहीं चाहते हैं, कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं डोमेस्टिक मैटर है और इसको उसी के अंतर्गत सुलझाया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा रोहिंग्यास काफ़ी समय से न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पर इनको म्यांमार में पहले तो ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी हैं और जो रखाइन स्टेट है म्यांमार का वहाँ पर ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन ओवरऑल हम कंट्री वाइज बात करें तो ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थी इन म्यांमार। और कम से कम 1.1 मिलियन जो रोहिंग्यास हैं वो म्यांमार में रहते हैं। एंड इसके बाद ये एथनिक ग्रुप को वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। वहाँ पे लोग मानते हैं कि बांग्लादेश से आए थे म्यांमार में, इनको इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किया जाता है और इनको स्टेटलेस पीपल कहा जाता है, यानी कि ये राज्य विहीन हैं और इनको नागरिकता से वंचित किया गया है, इनको नागरिकता म्यांमार की प्रोवाइड नहीं की गई इतने साल रहने के बावजूद भी। कुछ समय पहले कम से कम 3 लाख जो रोहिंग्या थे वो अपने रखाइन प्रांत में से अपना घर छोड़ के उनको जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हुआ, हिंसा भड़क गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट्स और जो फोर्सेस थी म्यांमार की उनका कुछ स्टार्ट हुआ, झड़प स्टार्ट हुई एंड देन फिर दे डिसाइडेड कि इस रीजन में उन्होंने मतलब अटैक किया। सो यहाँ से लोगों को जाना पड़ा एंड देन वहाँ से लोग भाग कर बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में जाकर छिप गए।
सो बांग्लादेश में आपको एक जगह याद होगी कॉक्स बाजार, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये एक आइलैंड है, ऐसे ही एक भाषान चार आइलैंड है, ठीक है, एक ये भाषान चार आइलैंड है, ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो ये आइलैंड है ये बहुत ही अनइनहैबिटेड है और यहाँ पे कंडीशन बहुत ही बेकार है, लेकिन फिर भी ये रोहिंग्यास जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं, ठीक है, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। इसी तरह से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं म्यांमार की, सो वहाँ पर भी कुछ लोग जैसे त्रिपुरा में चले गए, तो इंडिया में भी कुछ लोग जो है आ गए वहाँ से म्यांमार से छोड़कर। तो ये अभी रोहिंग्यास को कहीं पे शेल्टर नहीं मिला, शेल्टर के लिए इधर उधर भगड़े। तो ये यहाँ पर रेफ्यूजीज वाली इनकी कंडीशन है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि रोहिंग्यास को म्यांमार वापस नहीं ले रहा है या फिर उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्मी चीफ ने कहा है, जो 1982 का जो सिटीजनशिप लॉ है म्यांमार का, उसमें 135 इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बंगालीज या फिर रोहिंग्यास शामिल नहीं है, और इसीलिए उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्यास जो है उनको मना नहीं किया गया है, वो म्यांमार की टेरिटरी में रह सकते हैं, लेकिन इंडिजिनस पीपल की क्या डेफिनेशन होगी, क्या किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, उनके राइट्स क्या होंगे, ये सब 1982 का जो सिटीजनशिप लॉ है उसके अंतर्गत आएगा, और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की मतलब अनुमति नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सो बेसिकली आपको रोहिंग्यास के बारे में चीज़ें पता ही हैं, मैंने एक बार और क्लियर कर दी है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रोहिंग्यास, रोहिंग्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दीज आर एथनिक माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश दैट हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय म्यांमार गवर्नमेंट, ये बांग्लादेश के जातीय अल्पसंख्यक हैं जिन्हें म्यांमार सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। दे हैव बीन कंसिडर्ड इंडिजिनस एथनिक ग्रुप ऑफ म्यांमार अंडर द 1982 सिटीजनशिप लॉ, इन्हें 1982 की नागरिकता कानून के तहत म्यांमार का स्वदेशी जातीय समूह माना गया है। सो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नीदर वन नॉट टू, क्योंकि जो ये रोहिंग्यास हैं ये एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं म्यांमार की, ठीक है, और यहाँ पे इनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की गई है। दूसरी स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि इनको इंडिजिनस एथनिक ग्रुप नहीं माना गया है अंडर द 1982 सिटीजनशिप लॉ ऑफ म्यांमार, ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट इज, एज पर द स्टडी पब्लिश इन द लेंसेट, इंडिया हैज़ रैंक थर्ड एंड फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम अमंग द कंट्रीज विद 19 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग अ लो बॉडी मास इंडेक्स। द लेंसेट में एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया है और उसके अनुसार भारत में 19 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके शरीर में जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कम पाया गया है, और ऐसे कम पाए जाने वाले देशों में भारत का तीसरा और पांचवा स्थान है, मतलब लड़कियों के कंडीशन में तीसरा है और लड़कों में ये पांचवा स्थान है। जो बॉयज़ का बीएमआई है 19 ईयर ओल्ड बॉयज़ का, वो मीन बीएमआई 20.1 है और लड़कियों का भी 20.1 ही है। सो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं, सो अगर हम मीन हाइट की बात करें 2019 में, ठीक है, बॉयज़ की, तो इंडिया की यहाँ पे पोजीशन है, मीन हाइट है 166.5 सेंटीमीटर। वहीं गर्ल्स में अगर हम बात करें तो ये है 155.2 सेंटीमीटर। वहीं अगर मीन बीएमआई की हम बात करें तो भारत में जो बॉयज़ का है वो 20.1 है, वहीं गर्ल्स का भी 20.1 है, विच इज़ थर्ड फ्रॉम बॉटम, ठीक है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ड्यूअल बर्डन देखा गया है, अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन भी है और ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन भी है, तो दोनों से ही यहाँ पर डील करना पड़ता है। द स्टडी प्रोवाइड्स फॉर न्यू एस्टिमेट्स फॉर हाइट, तो इस स्टडी से नए ट्रेंड्स जो है बीएमआई के 2019 के और जो नए एस्टिमेट हाइट के वो पता चलते हैं अक्रॉस द 200 कंट्रीज। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो वेट है वो आपका केजी में आपने लिखा, और आप जो हाइट है आपकी होनी चाहिए मीटर्स में, उसके स्क्वायर से आप अगर डिवाइड करेंगे वेट को तो आपको बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स से आपको शरीर में कितनी वसा है वो नहीं पता चलेगी, फैट को आप डायरेक्टली मेजर
नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता चल सकता है कि आपका जो वेट है वो किस कैटेगरी में, क्या स्टेटस है आपका। तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका BMI जो कैलकुलेट होकर आता है अगर वो 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में हैं, अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका नॉर्मल या हेल्दी वेट की कैटेगरी में आप आते हैं, देन 25 से लेकर 29.9 तक है तो ओवरवेट कैटेगरी है, एंड अगर इससे ज़्यादा है दैट इज 30 और 30 से ज़्यादा है अगर BMI तो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। और इस कंडीशन में बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड हाइपरटेंशन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती है। और अंडरवेट से ये पता चलता है कि यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पर और ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, एज पर द WHO गाइडलाइंस अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड हैविंग हेल्दी वेट इफ द बॉडी मास इंडेक्स इज डैश। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स डैश होने पर एक व्यक्ति का स्वस्थ वजन माना जाएगा 17 से लेकर 21.5, 18.5 टू 24.9, 25 टू 29.9 एंड 19 टू 27.9। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग भी अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपका जो वेट स्टेटस है वो क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करिए या फिर अपना न्यूट्रिशन लीजिए अच्छे से। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है, इसका मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल वेट है। नेक्स्ट इज PM मोदी एंड PM ऑफ इटली ग्यूसेप कॉन्टे, इन्होंने अभी जो वर्चुअल बायलेटरल समिट हुआ था उसके दौरान 15 एग्रीमेंट साइन किए और एक एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2020 से लेकर 2025 तक का इसको अडॉप्ट किया है। और इस प्लान में इन्होंने अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं, जो गोल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं 5 साल के लिए, उनको वहाँ पर अपनाया गया है। The two prime ministers also said that the two countries are committed to work closely on a development-oriented global agenda for their respective G20 presidency. तो अभी वो G20 presidency भारत को मिलेगी 2022 में और इटली को मिलेगी 2021 में। तो दोनों countries ने कहा कि वो development-oriented जो global agenda है उस पर वो अच्छे से work करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा जो इटली ने भारत को G20 समिट को होल्ड करने दिया है और 2022 में भारत जो है वो G20 समिट को कंडक्ट करेगा, उसको होस्ट करेगा, एंड उसी साल भारत के 75 जो साल हैं इंडिपेंडेंस के वो भी कंप्लीट होंगे। इटालियन ट्रेड एजेंसी एंड इन्वेस्ट इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह कुछ प्राइवेट सेक्टर एग्रीमेंट्स भी हुए, तो जैसे इटालियन ट्रेड एजेंसी और जो इन्वेस्ट इंडिया है जो प्रमोट करती है, भारत में एक प्रमोशन एजेंसी है इन्वेस्टमेंट को जो प्रमोट करती है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। कासा डिपॉजिटी ए प्रेसिटी SPA इटली और NIIF इंडिया, इन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है को फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, सह वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए। देन बिफोर द समिट अ हाई लेवल इकोनॉमिक डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन CEOs ऑफ इंडियन एंड इटालियन कंपनीज ऑन October 28 एंड मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शन वॉज हेल्ड इन November 2। सो इससे पहले जो ये अभी समिट जो हुआ है वर्चुअल बायलेटरल समिट, इससे पहले हाई लेवल इकोनॉमिक डायलॉग कंडक्ट किया गया था 28 अक्टूबर को एंड मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शन हुआ था 2 नवंबर को एंड देन ये समिट कंडक्ट किया गया। अगर हम ट्रेड की बात करें भारत और इटली की, तो इटली की रैंक 5th है अमंग द EU कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं उसमें इटली का रैंक 5th है इन अमंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। उनसे पहले जर्मनी, बेल्जियम, UK और फ्रांस हैं। 2019 में जो बायलेटरल ट्रेड था बिटवीन इंडिया एंड इटली, ये 9.52 बिलियन यूरोज रहा है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली साइन 15 एग्रीमेंट्स एंड अडॉप्टेड एन एक्शन प्लान फॉर 2020-25। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और 2020-25 के लिए कार्य योजना को अपनाया है? इंडिया एंड इटली, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड UK, इंडिया एंड जर्मनी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड इटली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ने एक रोपेक्स टर्मिनल इनॉग्रेट किया है और साथ ही रोपेक्स सर्विस भी इनॉग्रेट की है बिटवीन
हजीरा एंड गोगा गुजरात में, ठीक है। तो अभी गुजरात में जितने भी इनॉग्रेशंस हुए हैं कुछ कुछ मेजर, उनको आप याद रखिए, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। एंड दिस विल बी अ बिग स्टेप इन गवर्नमेंट विजन ऑफ हार्नेसिंग वाटरवेज एंड इंटीग्रेटिंग देम विद इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत चाहता है कि जो अपना इनलैंड वाटरवेज है उनको डेवलप किया जाए, ठीक है, जो अंतर्देशीय जो भी जलमार्ग हैं उनको हार्नेस किया जाए, उनमें डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, कैसे उनको एकीकृत किया जाए आर्थिक विकास के साथ, ये जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है उसकी तरफ ये पहला कदम है, बड़ा कदम रहेगा। रोपेक्स फेरी सर्विस जो है साउथ गुजरात और सौराष्ट्र रीजन को एकीकृत करेगी, उनको इंटीग्रेट करेगी, साथ ही गोगा और हजारी के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और जिससे आने जाने का जो समय है उसमें बचत होगी, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जब ट्रैवल टाइम कम होगा तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फेरी सर्विसेज स्टार्ट होने की वजह से जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं रिलीजियस टूरिज्म की, इको टूरिज्म की, उनको भी बूस्ट मिलेगा सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में। द रोपेक्स टर्मिनल जो है ये 100 मीटर लेंथ में है और 40 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 25 करोड़ है। एंड जो रोपेक्स फेरी वेसल है वॉयज सिम्फनी, ये 3-deck वेसल है विद अ कैपेसिटी ऑफ 2500 टू 2700 DWT, ठीक है। इन अक्टूबर 2017 PM मोदी हैड लॉन्च द फर्स्ट रोपेक्स सर्विस इन गुजरात। तो पहली रोपेक्स सर्विस जो थी गुजरात में वो अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुई थी, जो कि गोगा इन भावनगर से लेकर दहेज इन भरोच तक के लिए स्टार्ट की गई थी। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ रोपेक्स फेरी सर्विस दैट विल कनेक्ट हजीरा एंड गोगा, इट वॉज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ डैश। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक आरपेक्स नौका सेवा का उद्घाटन किया जो हजारिया गोगा को जोड़ेगा, इसे डैश के राज्य में लॉन्च किया गया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट इज एक ई कॉमर्स आर्म, इफ्को का जो एक ई कॉमर्स आर्म है उसने SBI यूरो कृषि ऐप के साथ कोलैबोरेट किया है। इफ्को के एक ई कॉमर्स शाखा ने किसानों की सभी कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है टू केटर ऑल एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ फार्मर्स। इसमें क्या होगा कि जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इफ्को के, उनकी फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। सो अब फार्मर्स जो हैं, जो भी उनका ऑर्डर है सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, मतलब किसान बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कृषि यंत्र के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी फार्म प्रोडक्ट है, उसके लिए वो ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं और उनको फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। दिस विल हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट इन अ हैसल फ्री मैनर। तो इससे क्या होगा फ़ायदा किसानों को, उनको एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेगा और कम लागत में मिलेगा और रहित तरीके से मिल जाएगा, घर पर ही उनको डिलीवर हो जाएगा। Due to this integration, IFFCO will get over 3 crore registered YONO customers to sell their products. तो इस एकीकरण के कारण IFFCO को अपने उत्पादों को बेचने के लिए 3 करोड़ से अधिक पंजीकृत YONO ग्राहक मिलेंगे उनको। This will help in commitment of the government to double its farmers income by 2022. तो ये 2022 तक कृषि आधारित आय को दोगुना करने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि जब जितने भी कृषि उत्पाद हैं वो समय से मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो कृषि की आय दोगुनी हो सकती है। IFFCO इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो IFFCO जो है एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये फाउंड की गई थी 3rd November 1967 को। सो क्वेश्चन आपके लिए, SBI योनो कृषि ऐप हैज इंटीग्रेटेड विद डैश फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। SBI योनो कृषि ऐप ने सभी कृषि उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी प्रदान करने के लिए डैश के साथ एकीकृत किया है। IFFCO बाजार, नाबार्ड, फ्लिपकार्ट एंड नेफेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी इजी, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन इन, दैट इज IFFCO बाजार। नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अ वेबिनार टाइटल भारत तीर्थ विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर ने एक
भारत तीर्थ नामक एक वेबिनार आयोजित किया जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द इंडियन नॉलेज सिस्टम सेटअप किया जाएगा आईआईटी खड़गपुर में। तो आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये 3 दिन का वेबिनार होगा जहाँ पर डिफरेंट जो इंटरनेशनल स्टॉलवर्ट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, जैसे कि अर्थशास्त्र पे, संस्कृत फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर वैदिक और एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, बीज गणित ज्यामिति सब पे चर्चा करेंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड दैट नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल सपोर्ट टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच है वो तकनीकी शिक्षा का समर्थन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। एंड जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो की पॉलिसीज़ को फ्रेम करना एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। साथ ही अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की और फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। करंट मिनिस्टर कौन है एजुकेशन के? रमेश पोखरियाल निशंक है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इन विच आईआईटी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस आईआईटी में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, चेन्नई, पटना एंड खड़गपुर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजय कुमार मेदी, नानी तगिया एंड मनीष चौधरी एज द जजेस ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट में संजय कुमार मेदी, नानी तगिया और मनीष चौधरी को एज द जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इसके अलावा जो बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें कंसल्ट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, इन तीनों की सिफारिश के बाद ही वो नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी जुडिशियल ऑफिस उन्होंने हेल्ड किया हो भारत की टेरिटरी में 10 साल के लिए, किसी मतलब 10 साल के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होने चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहे हों 10 साल के लिए। अच्छा, टेन्योर कितना होता है? उनका टेन्योर जो होता है 62 ईयर्स तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं एंड वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई हाई कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो ही रिजाइंस टू प्रेसिडेंट। एंड उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो हाई कोर्ट की जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, इट इज सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही वो रिमूव किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन अ मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज में एक मोशन पास होना चाहिए। जब वो मोशन पास होता है तभी उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि किसी भी जज को रिमूव किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो इट इज सेम एज दैट ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद डैश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को डैश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बोथ ए एंड बी। तो किससे परामर्श लेते हैं, किससे कंसल्ट करते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वहाँ के जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनकी सिफारिश, उनकी परामर्श के बाद ही, कंसल्टेशन के बाद ही जो हाईकोर्ट का जज है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट EOS-01। ये लॉन्च कर दी गई है, विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इसरो
और ये इसके साथ साथ 9 जो अन्य कस्टमर सैटेलाइट्स हैं उनको भी लॉन्च कर दिया गया है। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में किया जाएगा और ये 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल रहेगी सैटेलाइट। EOS-1 सैटेलाइट के कुछ फीचर्स देखें तो ये पहले तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसकी वजह से जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन की इमेजेस मिलेंगी धरती की। इसके अलावा इसमें एक्स बैंड रडार्स हैं जो कम वेवलेंथ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं ताकि जो अर्बन लैंडस्केप है और जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड है उसकी बढ़िया से इमेजेस बन सके, अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके एंड इट कैन प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इन एनी वेदर कंडीशंस। तो देखिए इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि हर वेदर कंडीशन में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये ले सकती है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑन लैंड कैन बी कैप्चर्ड इन द इमेज प्रोड्यूस बाई इट सच एज ट्री कवर, वेजिटेशन कवर, फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो भी लैंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो सभी को ये कैप्चर कर सकता है, चाहे वो ट्री कवर हो, चाहे फॉरेस्ट एरिया हो, वेजिटेशन कवर हो, सबका अलग अलग से यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इमेज में दिखेगा क्लियरली। एंड इसको लॉन्च किया गया है बाय द न्यू वेरिएंट ऑफ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंडियाज लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01, भारत के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट विल प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से उच्च रेजोल्यूशन की छवियों का उत्पादन करेगा एंड इसको GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया। सो क्वेश्चन मतलब इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only 2 only both 1 and 2 none of the above। सो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए होगा क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, इसको GSLV के द्वारा नहीं, इसको PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब यशवर्धन कुमार सिन्हा को चूज किया गया था टू बी द नेक्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो अब उन्होंने फाइनली ओथ ले ली है एज द न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और उनको प्रेजिडेंट ने ओथ दिलाई है। वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सर्व करेंगे अगले 3 वर्षों के लिए एंड इससे पहले वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सर्व कर रहे थे January 2019 से। सो द ऑफिस ऑफ CIC हैड बीन वैकेंट फॉर द लास्ट 2 months आफ्टर बिमल जुल्कर रिटायर्ड एट द एंड ऑफ ऑगस्ट, दिस विल बी 2020। ऑगस्ट 2020 के अंत में बिमल जुल्का अभी सेवानिवृत्त हुए थे, उसके बाद 2 महीने से ये ऑफिस खाली था बट अभी नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को हेड करता है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जिसको RTI एक्ट सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है 2005 का उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इसके अलावा 10 और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जिनको प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और एक समिति की सिफारिश पर ही इनको अपॉइंट किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं और यूनियन कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसको PM नॉमिनेट करते हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि यशवर्धन कुमार सिन्हा को रिकमेंड किया गया है तो तब उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा थे कोई चौधरी करके थे एंड एक जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये कौन थे? ये अमित शाह थे जो कि अभी करेंटली होम मिनिस्टर हैं। तो वो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं इस कमेटी में जिसको PM नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यशवर्धन कुमार सिन्हा को रिकमेंड किया था एंड नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर? मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर। तो कौन दिलाता है शपथ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो सभी कवर कर ली हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपका सजेशन है या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।